श्री उच्छिष्ट गणेश तव राजः नमामि देव सकल अर्थाद तम सुवन वन भुजंग उपवीतीनम गजाननम भास्करम एकदंतम लंबोदरम रक्त विशेष कांतिम केयूरिं हार किरीट जुष्ट चतुर्भुज पाशवर अभयानी श्रोणी च हस्त गणप त्रिनेत्र सचमर स्त्रीयुगले नियुक्त षड अक्षर आत्मान अनल्पभूषम मुनीश्वरे भार्गव पूर्वकेश च संसेवितं देव अनाथकल्परूपं मनोज्ञ शरण प्रपदे वेदांत वेद जगता अधीशं देवादि वंद सुकृतेक गम्यं स्तंभे रमास्यत ननु चंद्रचूड विनायकं तं शरणं प्रपदे भवाख्य दावानल दहयमानं भक्तं स्वकीयं परिसिंचते यः गंडसुत अंबोवि अनन्यतुल्यं वंदे गणेशं तं तमो अरिनेत्रं शिवस्य मूलाव अवलोक्य चंद्र सुसुंडया मुग्धतया स्वकीयं भग्न विषान परिभाव्य चिते आकृष्ट चंद्रो गणप अवतानन पीतु जटाजुट तटे सदैव भागीरथी कुतूहलेन विहर्तु काम स महिद्र पुत्र्या निवारित पातु सदा गजास्य लंबोदर देव कुमार संगे क्रीडन कुमारं जीतवान निजेन करें च उतोल्यन न नर्त रम्य दंतावलयास्यो भव यत्तः स पायात आगत्य च य उच्चे हरि नाभि पदं ददर्श तत्रासु करें तच्च उद्धर्तु इच्छान विधिवाद वाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेश निरंतरं संस्कृतदान पट्टे लग्नातु गुंजत भ्रमरावली वे तं सोत्रताले अप्सारयन्त स्मरेत गजास्य निजरत सरोजे विश्वेश मौलिसित जहनु कन्या जल गृहीत्वा निज पुष्करेण हरं सलीलं पीतरं स्वकीयं प्रपूजयन हस्ति मुख स पायात स्तंभेरमास्य घ्रोसुवांगरागम सिंदूरं पूर अरुणकांत कुंभम कुचनंदन आश्लिष्ट कर गणेश ध्यायेत स्वचिते सकल इष्टदं तं स विस्मातु निज पुष्करे जलं समादाय कुच स्वमातु रक्षालया मासड अस्य पितो स्वाथ मुदे असो कल्भानन्नस्तु सिंचाम नाग शिशु भावं माप्त केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां रक्तारं आदचारु रुचा मृगाक्ष संभोग लोलमद विह्वलांगं विद्नोद विद्वंसक नक एक नमामि कांत दिरदाननं तं हेरं उदत रवि कोटि कांत पंचाननेन अपि विचुंबिताश्य मुनीन सुनान भक्तजनाना च सर्वान् सपातु रस्यासु सदा गजास्य द्रेपायनोक्तानि स निश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तपुराणं शुभम् इन्दुमूलि तपोभि उग्रमनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभासे वेला जले लंबपति प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरा तदा तं विश्वेश्वरं वाग्भि अभिष्टुवन्ति वाचा निमितं स निमितं आदं पदं त्रिलोक्या अदद्य स्तुतीनां सर्वे च वन्दना च तस्य वन्दसानो पररूपम् असो स पायात् इमा स्तुतिय पठतिह भक्त्या समाहित प्रीति अतीव शुद्ध संसेव्यते च इंदिरया नितान्तं दारिद्र्य संग स विदार येन नः।